ओ भाई यार, थोड़ा सा ठाउं दे दो यार, बहुत दूर जाना है हमको भाई, मेरे भाई। ओ माय गॉड, तो गैंगस्टर के साथ जा रहे हो तो रवाई लो तो होगा ही। सिर्फ इतना मेहरबानी करो कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देख लो, और लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो। तो व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई गैंगस्टर मोटो ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। गाइज हम भी बहुत बढ़िया हैं, और आज हमारा राइड होने वाला है काठमांडू से बीरगंज के लिए, और वहीं लगभग 150 किलोमीटर का राइड होगा। और बीरगंज जा क्यों रहे हैं भाई, तो मेरा अपना ही भाई का शादी है, तो शादी में जा रहे हैं। बाकी बिलेन भाई भी जा रहा है मेरे साथ बीरगंज तक, और बीरगंज के बाद में वो सरलाई जाएगा मलंगवा साइड में, क्योंकि उसका भी दीदी का शादी है। तो हम अभी निकल रहे हैं, अभी बज गया है 12 भाई, 12 बजे तक हम लोग रेडी नहीं हैं। 7 बजे सवेरे ही निकलने वाले थे, तो मेरा ही कुछ प्रॉब्लम था, माइक का एडेप्टर मेरा काम नहीं कर रहा था, तो माइक एडेप्टर लेना था। तो फाइनली सब काम हमारा पूरा हो गया है, और हमारे साथ जा रहा है ये भी जा रहा है। ये कौन है? तो हैप्पी। हैप्पी क्यों नहीं है हैप्पी? तू नाम साला हैप्पी है, पर हैप्पी कभी रहता नहीं है तू, क्यों? चल आओ हैप्पी। तो ये रहा इसका चरती गला। इतना ही करने में सवेरे 7 बजे निकलने वाला था, पर अभी तक रेडी होते 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 12 बजा दिया भाई ने। अब मेरे रूम में जाके सब कुछ तो मेरा रेडी है, और वहाँ से बैग से उठाना है, राइडिंग जैकेट वगैरह लगाना है, उसके बाद में निकल जाना है। हम लोग सब रेडी रेडी होके निकलते हुए हम लोग को बज गया है यहाँ 1:30, और लेट ही हो गया है बहुत ज़्यादा, फिर भी चलिए पहले चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, बाकी रिएक्शन देखिए भाई। तो गाइस हमने यहाँ पे बलखू पहुँच गए हैं, और बलखू में बैग भी अपना रख दिया, और ये हैप्पी है। हैप्पी बार बार ऊपर ऊपर चढ़ जा रहा है देह पर, तो क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हवा प्रेस मार रहा है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रहा होगा इसीलिए। तो अब लेट ना करते हुए अब निकलते हैं बीरगंज अपने मंजिल के तरफ। तो गाइस हम निकल चुके हैं अब काठमांडू छोड़ के बीरगंज। बाकी देख सकते हैं अब सुनसान रास्ते में हमको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, मैं और मेरा बिलेन भाई दोनों। तो बहुत मज़ा भी आने वाला है, बहुत सुकून भी आने वाला है, और थकानी तो होगा ही। जब मज़ा आएगा, सुकून आएगा, तो थकानी तो होना ही है भाई, होना ही है जिस काम में भी। पर हर एक काम से, जिस भी काम करो, हर एक काम से ज़्यादा सुकून भाई राइडिंग में है, ट्रैवलिंग में है, जो कि भाई 1 घंटे में 2 घंटे में आप कहाँ कहाँ का लोकेशन देख लेते हो, कैसा कैसा व्यू देख लेते हो, तो ये मजा आता है भाई। इसीलिए हमने चूज किया राइडिंग लाइफ, क्योंकि हमारा सपना भी था राइडिंग लाइफ का, राइडर बनने का, और इसको ही हमने पैशन बना लिया। तो आप लोग सोचते होंगे भाई कैसे मैनेज करते हो इधर उधर, तो भाई कुछ महीना काम करो फिर राइड करो, कुछ महीना काम करो फिर राइड करो, तो ये चल रहा है मेरा अभी, तो क्या ही बोले। पर ज़्यादा दिन अब नहीं होगा, ऐसे कंटिन्यू ब्लॉग बनाना पड़ेगा, नहीं तो काम करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया है 6 महीना तो टाइम दे देते हैं ब्लॉग में, होगा तो होगा, नहीं होगा तो जय सिया राम, है कि नहीं गाइस? मिली तो मिली, ना तो जय सिया राम बन भाई, ओके है ना? ओ माय गॉड, ये देख सकते हैं गाइस क्या मजा का पहाड़ ऐसे ऐसे दिख रहा है भाई। स्टार्टिंग के बाद में ही हम लोगों को ऐसा ऐसा 3-4 पहाड़ खत्म करना पड़ेगा,
तो देखते जाइए, दिखाते हैं आप लोगों को। इससे पहले तो ऐसे नहीं दिखाएंगे जैसे दिखाएंगे आप लोगों को नजारा, समझ गए? अभी तो मजा बाकी है भाई, अभी पूरा मजा बाकी है, अभी मजा तो आ ही नहीं रहा। ये तो स्टार्ट अभी हुआ है, अभी 25% भी नहीं हुआ है, अभी पूरा देखने का बाकी है ब्रो। मेरे साथ जा रहे हो गैंगस्टर के साथ? तो गैंगस्टर के साथ जा रहे हो तो रवाइल तो होगा ही, और ये तो स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म होना बाकी है। अब आएगा गाइस चेक पोस्ट, आगाड़ी पड़ेगा चेक पोस्ट, और चेक पोस्ट में चेक नहीं हुआ तो कहीं भी चेक नहीं होगा। मेरे को डर लग गया है मॉडिफिकेशन के वजह से यार, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक तो नहीं रोका है अभी तक, पर ऐसे ही सब आदमी लोग मेरे को टोक रहा है, ट्रैफिक ने चीट नहीं काटा, फाइन नहीं काटा बोल के, तो भाई अब कुछ डर हो जाएगा। और मॉडिफिकेशन कुछ ज़्यादा है नहीं, ये लेगार्ड के वजह से हल्का कुछ ज़्यादा ही बड़ा बाइक दिख रहा है, तो वो तो अपना सेफ्टी है ना भाई, तो सेफ्टी सबसे पहले, ट्रैफिक का डर बाद में, भैंचोत गांड मरा है। पर ट्रैफिक के साइड से ही जाएंगे, पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है देखते हैं। हम भी कम नहीं ना है, हम भी सब भिड़ जाएंगे सार लोग से, कैसे लैंग करेगा, लैंग कैसे करेगा, है कि नहीं सर? हजूर सर बीरगंज समो सर हजूर किन बाटो बन्द छ र हो ये क्या हो गया गाइस, उधर का रास्ता बंद है तो हम लोगों को कुले खाने तक जाना पड़ेगा, दक्षिण गाली का रास्ता, तो क्या ही बोले, उतना पसंद नहीं है मेरे को, क्योंकि वो रास्ता बारंबार चलता हूँ ना तो आदत लग चुका है उसका। अभी तो ये क्या है, ये तो अभी पहाड़ में गए ही नहीं है गाइस, अभी तो पहाड़ आना बाकी है, पहाड़ में पहाड़ बनाएंगे हम। श्री दक्षिण काली माता मंदिरा को जय हो, हेतौड़ा जाने बाटो कुन हो, यही होला शायद। ब्रदर है तोड़ा जाने बाटो कुन हो, यही हो, ओके प्रतीक्षा। तो भाई मैं मेरा NS बाइक जब किना था तो दक्षिण काली माता का मंदिर में ले आके पूजा किया था, वही टाइम में ये रास्ता आया हुआ था, उस टाइम में पूरा ये बना हुआ नहीं था, ग्रेवल था। उस टाइम के बाद आज आप जा रहे हैं? आज आप आ रहा हूँ। कौन सा रास्ता है फिर सर? पांगरे है तोड़ा दक्षिण काली काल। नहीं नहीं नो 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 नो, तो छुट्टी रास्ता हो, यो छुट्टी रास्ता हो, लेकिन वो रोड बहुत त्यो पनि बनाइसकेको छ, वो पनि बहुत प्यार से बनाइसकेको छ। हम तो ठहरे राधे ओ मागो जस्ट जोकिंग यार। माथि माथि दक्षिण काली माताको मन्दिर ऊ त्यहाँबाट माथि हुँदै जाने हो के? तो बाँकी जय हो दक्षिण काली माता, रक्षा गरियो हाम्रा यात्रा सफल गरियो। ऊ दक्षिण काली माताको मन्दिर, अनि एउटा यता दक्षिण काली माता मंदिर नीचे भी है, जो कि हम आए थे तो बहुत लाइन में गए थे भाई, बहुत लाइन में। तो गाइस यहाँ पे फिर से मिल चुका है हम लोगों को ऑफ रोड,
अब ऑफ रोड में तो हालत बुरा नहीं होगा क्योंकि मैंने तैयार ही ऑफ रोड के लिए किया है भाई। ऑफ रोड नहीं मिला है अब हमारे लिए ये हुआ असली रोड। ये ऑफ रोड नहीं है ऑन रोड है। अभी तो बहुत ज़्यादा कम है भाई, बहुत ज़्यादा कम है। बस देखते जाओ आप लोग होता है क्या। सिर्फ इतना मेहरबानी करो कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देख लो और लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो। कमेंट में मज़ा आ रहा है कि नहीं ये भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। और इसका सस्पेंशन बहुत जल्दी चला जाएगा यार, क्योंकि ये एफजेड का ओरिजिनल ही है, पर एफजेड तो ऑफ रोडिंग बाइक नहीं है, तो इसीलिए बाद में वैसे ही अगर ये अच्छा समय चलने लगे तो इसको सस्पेंशन पूरा आगे पीछे का चेंज करके इसको बनाएंगे एकदम। ट्रैफिक क्या ही बिगाड़ेगा, जब पैसा है तो सब वैसा है, नहीं है तो कुछ भी कैसा है। तो अभी तक इधर का डाइवर्शन का काम चल रहा है। भाई मेरे भाई, ओ माय गॉड, इसमें जाएंगे कैसे भाई? ये तो पूरा कादो है। फुकू ना, अरे कस्तो बन यार फुकू ना। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे माता दक्षिण काली की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। निकल जाना है तो निकल जाना है, कहीं पे भी नहीं धोखा देना है। मस्त मस्त ऐसे ही जाना है, जाना है, जाना है, सीधा जाना है, सीधा सीधा सीधा, इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं। बहुत बढ़िया। तो भाई वहाँ पे क्या है, पूरा चिप्लो माटो है, मिट्टी, और उसमें तो चक्का ऐसे स्लिप खाता है कि भाई जिस जो भीड़ा होगा उसी को पता होगा, अदरवाइज तो क्या ही बोले, सब लोग राइडर ही बनते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो, नहीं तो पूरा जितना घंटा लगता उतना घंटा का नॉन स्टॉप बनाया था वीडियो में, क्या ही करे, आप लोगों के चलते छोटा करना पड़ता है, आप लोग बोरिंग हो जाते हो। बहुत कम ऐसा पर्सन होता है कि फुल वीडियो देखता है। कति किलोमीटर होला है इस तो बाटो, हुन त के अब त हिँड्ने नै यस्तो बाटो हो होइन। ठिक छ, अहिले पनि प्र्याक्टिस छ, तर ओभर प्र्याक्टिस छैन, ओभर प्र्याक्टिस चाहिन्छ। अब हिँड्दा हिँड्दै त यतिमै दिल लागिसकेको छ त, अब यतिको कुदिरहेछ दिल लागिसक्यो। अब तो साफ ऑफ रोड का कीड़ा बन जाना है, कीड़ा एकदम फुल एडवेंचर राइड करना है। आप लोग देखते जाओ, आप लोग भी बोलोगे कि क्या फेंक रहा है, क्या बोल रहा है, जब भी बोलता है और वीडियो नहीं आता है, तो सही है आप लोगों का नाम भी। पर सबका सिचुएशन टाइम टाइम में चेंज होता है, तो सिचुएशन के वजह से क्या ही बोले गाइस, मेरा भी फट गया था, सिलने में हल्का टाइम लगा, तो समझ सकते हो आप लोग। ऑफ रोड चाहिए पर ये रास्ता नहीं चाहिए, ऐसा रास्ता बहुत खतरनाक होता है भाई। हाँ ये सीधा पलटा देता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। बना रहा है, जब सब बना देगा तो ये भी रास्ता पूरा चील हो जाएगा। गाइस तो कुछ आप लोग देखना चाहोगे
बहुत शानदार सा लोकेशन, इतना मीठा सा, इतना प्यारा सा दिख रहा है कि क्या ही बोले गाइस। ये देखिए क्या ही सुकून है भाई, क्या ही सुकून है, क्या बोले आप, क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, क्या ही बोले भाई, कुछ नहीं बोल सकते। ये चारों तरफ से टूटा फूटा पहाड़ और उधर क्या शानदार बनाया हुआ है भीड़ पहाड़, उसमें सब खेती होता है पहाड़ों में भीर बना के। इधर से पहाड़ एक भी चट्टान गिरेगा तो हमारा सर का थर अलग कर देगा यार। हाँ भाई, हम लोग फूक देंगे इसमें, फूकेंगे तो जाके फुका जाएंगे उधर। ये बड़ा बड़ा पत्थर हो, बालुआ हो, उसमें आप लोग रॉक चला सकते हैं गाइस। पर ये जो हल्का हल्का ग्रिप वाला होता है ना, हल्का हल्का बालू होता है, गिट्टी होता है छोटा छोटा, इसमें बहुत ज़्यादा रिक्स रहता है, क्योंकि ये स्लिप खाता है सीधा स्ट्रैट और हो जाता है सीसी पॉइंट। हो गया ना भाई? हाँ भाई, के भयो, किन उदास भयो, बोर भयो? बोर तो नानू होइ छे, बोर तो नानू होइ छे। गुड, साइड प्लीज। अरे हल्का फुल्का साइड दे दो भैया, हमको बहुत दूर जाना है, हमको हमारा गांव बहुत दूर है, थोड़ा सा ठाउं दे दो। ओ भैया थोड़ा सा ठाउं दे दो यार, बहुत दूर जाना है हमको। देख तो छोटा सा लौंडा है और पूरा चला दे रहा है बड़ा जेसीबी। जम लो, थैंक यू यार दाई, लो हैप्पी न्यू ईयर भाई। ओ हो लो हैप्पी न्यू ईयर भाई दाई। ए एक महीना सम्म हैप्पी न्यू ईयर हो, पर साइड दे दिया, बहुत अच्छा किया भाई। तो हम लोग डेली न्यू ईयर बन है ना, हम लोग तक ये हम लोग बस चील आनु है ना। ये रास्ता खराब हो, अच्छा ये बस्ता खराब हो, हम लोग के करनु चील आनु। ओ माय गॉड, वो यू लॉर्ड सा यार भाई। आप लोगों को हल्का लग रहा है, मजाक लग रहा है, यहाँ कोई जोक चल रहा है, तो भाई बोलो हाँ चल रहा है, जोक ही चल रहा है ना। अब जोक नहीं चलेगा तो आप लोगों को रियल अच्छा नहीं लगता है, तो भाई जोक ही करते चलना पड़ेगा रास्ता भर, आप लोगों को इंटेंट करना पड़ेगा, तो बाकी देख सकते हैं। क्या हाल है भैया लोग, हालत खराब हो गया जैसे लग रहा है, ब्रेक फेल हो गया। पानी मत डालिए, पानी मत डालिए, टेम्पर चला जाएगा, एक चीज रेस्ट करने दीजिए। अरे टेम्पर चला जाता है, डिस्का फूट जाता है। अरे सही तो हो जाएगा भैया, पर रिस्क लेंगे उससे अच्छा नहीं करना चाहिए पहाड़ के रास्ता में। अच्छा पता नहीं, ये रास्ता बहुत टाइम बाद चल रहा हूँ यार। ठीक है आइए, ये रेस्ट करके आइए मजा से। सवारी साधन प्रहरी चौकी सिस्नेरी, ओके यो भन्छ भाई सिस्नेरी, बुझ्यौ? यो ठाउँको नाम के हो? सिस्नेरी। ये पहाड़ को बीचे बीच से काट दिया है भाई,
क्या ही खूब, क्या ही खूब, मचाएंगे धमाका। तो गाइस अभी हम दक्षिण काली का रास्ता होते हुए पहुंच गए कुलेखानी, और ये रास्ता हम फरपिन के आते तो यहीं आके मिलता, और वो रास्ता भी आके यहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, कुलेखानी आई पुगे हम के डैम नीर। हाँ अब आएगा टर्निंग गाइस, टर्निंग का मजा अब इस रास्ते में लिया जाता है। यो सुमुहरू कुन बाटो आएको हो? हाँ भाई गाइज, यहाँ एक मिनट रोकते हैं, उसके बाद में निकलेंगे। कुछ थका नहीं हो गया, चाय नाश्ता वगैरह कर ले, इसके बाद में निकलते हैं। ओहो बाइक का हालत, हालत तो कुछ बिगड़ा नहीं है। ओ हैप्पी, क्या हाल चाल तेरा? हाँ शौक हो गया है भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा है ना घर, इसीलिए भागी रहा था। तो गाइस यहाँ पे हम लोग नाश्ता वगैरह कर लिए, और मैंने खाना नहीं खाया हुआ था, बहुत ज़ोर से भूख लगा था यहाँ पे, तो खाना खा लिए, अब चल रहे हैं। अब यहाँ से आएगा देवराली, और देवराली, देवराली से भीम फेरी। कहाँ बाटा ले आई रहा बहन चोद? मादर चूत कहाँबाट ल्याएको त्यसले? तो गाइस हम लोग पहुंच गए देवराली, और देवराली से यहाँ से अब सीधा भीमफेरी तक नीचे जाना पड़ेगा। देख सकते हैं कितना नीचे जाना पड़ेगा, अब इधर से बड़ा पहाड़ खत्म। तो गाइस हम लोग यहाँ पे देवराली में हैं अभी, अब देवराली से सीधा नीचे भीमफेरी की तरफ हम नीचे जाते जाएंगे। वो रास्ता दिख रहा होगा कि नहीं आप लोगों को, उधर से ही जाना है, ऐसे ऐसे करके तक भी चले जाओ, है ना? यसमा त डर हुन बनाऊ न, तर त्यो भयो भने एकदम दामी देखिन्छ। भाई हम लोग सोच रहे हैं अगर जो 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया तो ये पेड़ भाड़ा में लेके हम लोग इसके ऊपर एक रूम बनाएंगे जिसमें दो लोग सिर्फ रहेगा। अगर जो कोई गेस्ट आएगा हमारा, अगर जो आउट ऑफ कंट्री से राइडर सब, तो स्पेशली हमारे लिए हम उन लोगों को यहीं पे स्टे कराएंगे, मौत का खेल दिखाएंगे। समझ सकते हैं ना आप लोग, ये चाहिए ड्रोन उड़ा दीजिए। हाँ वहाँ से तो आप ही ड्रोन बन गए होंगे है ना? अब वहाँ पे रूम रहेगा तो उसके ऊपर से देखेंगे तो ऑटोमेटिक वो तो ड्रोन ही है, क्या देखना है। तो चलिए गाइस लेट ना करते हुए फिर से निकलते हैं। ओए हैप्पी, मजा आ रहा है, चलो चलते हैं। तो निकलते हैं फिर, चलते चलते कट जाए रास्ते। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं देवराली से और भीमफेरी के बीच में एक ठक्के ये पॉइंट पड़ता है, जो कि बहुत शानदार लोकेशन है। यहाँ पे रुक के स्टे भी कर सकते हैं आप लोग, रिलैक्स कर सकते हैं, फिर चल सकते हैं। तो बाकी यहाँ का माहौल देख सकते हैं, यही खूबसूरत
क्या ही, अब क्या ही बोले, उसके आगे बोलने लायक कुछ है ही नहीं। बाकी इधर से देखिए, नेचर इज सुकून भाई, बहुत ज्यादा सुकून देता है नेचर। हो गया ना भाई, पीस ले रहा है भाई, वो भी पीस ले रहा है, अपने धुन में जहाँ मन कर रहा है जहाँ जा रहा है घूम रहा है, देख सकते हैं वो भी मस्त है यहाँ पे, और हम भी मस्त है, कुछ देर रिलैक्स करते हैं यहाँ पे, बहुत सुकून मिलता है मेरे को। मैं जब भी आता जाता हूँ तो ये ठाउँ में रुकता ही रुकता हूँ, इसलिए भी कई सारे इंस्टा पर रील्स हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ का वीडियो होगा ऐसा लोकेशन देखेगा आप लोगों को, और वहीं पे मेरा बाइक रुका होगा। तो गाइस कुछ देर रिलैक्स करते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से, ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग भी बोर होंगे, बकचोदी समझेंगे, तो वो नहीं समझाना है मेरे को, बकचोदी नहीं समझाना है, बकचोदी करना है ऐसे। ओके चलो, तो गाइज हम लोग यहाँ पे आधा घंटा मस्त रिलैक्स कर लिए हैं, और यहाँ बैठ के बहुत पीस लग रहा था भाई, बाकी आप लोग भी देख ही सकते हैं, जगह ही पीस है एकदम, तो क्या ही बोले। बाकी यहाँ पे बीच में मेरा बाइक, वो तो और पीस लगता है। तो अब निकल रहे हैं, चलते हैं फिर से, अब डायरेक्ट रोकेंगे कहीं, हथौड़ा कटने के बाद ही रोकेंगे। ओके 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 काली तो यहाँ का ही है कि हाँ ना का ही साले। गुस्सा सब सिखाना पड़ता है गाइज, उसको गुस्सा भी सिखाना पड़ता है, प्यार भी सिखाना पड़ता है। रुकू ना, घुमा ले तू, तो गाइस पीस छोड़ के हम लोग निकल चुके हैं अब घर के तरफ। एक डायलॉग ही नहीं मिला, अगर जब मिल जाता तो बहुत दर्दनाक डायलॉग मार देता, पर छोड़ो हटाओ, छोड़ देते हैं, चलते हैं। बाकी अभी आप राइड का मैं चली जी, आप लोग ये देख सकते हैं टर्निंग, इसे बोलते हैं टर्निंग, है ना भाई, इसमें कर्नरिंग करने में अच्छी अच्छी की फटती है। ऐसे जाओ और ऐसे घुमाओ, ऐसे जाओ और ऐसे खाते पीते निकल जाओ। यो ठाउँ पीस लाग्छ तर मलाई, यो बाटो नहुँदाखेरि यहाँ एउटा बाँसको पेड थियो के, बाँस हुन्थ्यो यहाँ बुझ्यौ, अनि यहाँ सोमोहरू अहिले पनि छ, अनि यो धेरै बाँस थियो के, बाटोसम्म यसरी थियो, अनि यहाँ कहिलेकाहीँ सोमो रोप्थ्यो के पिसाब पिसाब फेर्नलाई, अनि क्या पिस कुल मौसम, यहाँको जहिले नि कुल नै हुन्छ, यहाँको मौसम चाहिँ जहिले नि यस्तै हो के। सुकून भाई सुकून, जिंदगी का सुकून यही तो है ना मजा, क्या बोले थे आप लोगों का, आज बहुत मजा आने वाला है। तो सो हम तो एंजॉय कर रहे हैं, पर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। पहली बार हम निकले हैं घर से किसी अनजान के संग हो, ये पूरा गाना ही नहीं आता, नहीं तो बहुत मस्त, ये आजकल इंस्टा में इंस्टाग्राम में बहुत चल रहा है ये रील, ये गाना पर
ये नदिया का पार बोल के फिल्म है, एक बॉल ओल्डेस्ट फिल्म, उसका गाना है ये। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझे रब ने बनाया है सिर्फ मेरे लिए। वाह वाह बनाना भाई, वाह वाह बनाना, क्या गाना है। ओवर नॉट ओवर रिएक्ट ब्रो, ओवर रिएक्ट गर्नु छैन, ओन्ली रियल रिएक्ट। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अभी वहीं से, और यहां से हम लोग डायरेक्ट अब कहीं ना रोकते हुए डायरेक्ट जाएंगे, अब सीधा रोकेंगे पथलिया में, बाकी कहीं भी नहीं रोकना है क्योंकि यहां से रास्ता भी चील मिलने वाला है एकदम से, और टेंशन भी नहीं है, और भाई को जल्दी भी जाना है तो डायरेक्ट पथलिया में मिलते हैं आप लोगों से। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूं अभी बीरगंज, और रास्ता में बहुत हम लोग रेस्ट करते हुए आए, प्लस ऑफ रोडिंग में मिल गया था, वो देख ही चुके होंगे आप लोग, इसीलिए लेट हो गया। और पथैया में विलन भाई के लिए गाड़ी कर रहा था, तब भी थोड़ा टाइम वहां पे भी रुक गया आधा घंटा जितना, बाकी ये देख सकते हैं घंटाघर बीरगंज का। यहाँ से सबसे पहले चलते हैं भाई बैग देखते हैं। हेलो, हेलो, तो चलिए अब रात भी हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।